কোনো সমস্যা নাই না, ভয় কিছু না, চুপ থেকে ওই বাড়ি থেকে পড়েনি, বুঝা ক্যা বাত হ্যায় ভাই, ক্যা বাত হ্যায়, মজা আ গিয়া ভাই। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ भाई ओला उबर एंड रैपिडो में काम करने के लिए। हालांकि लगभग 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, आई थिंक 10-12 दिन हो चुका है, पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं। एक्चुअली काफी दिन से मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था काम के बारे में। तो आज मैं जा रहा हूँ काम पे, ओला उबर रैपिडो करेंगे, देखते। फिलहाल अभी शाम के 4:30 हो रहा है, तो 6-7 घंटा काम किया जाएगा, 10-11 बजे तक देखते हैं कितना अर्निंग हो पाता है, कितना ऑर्डर मिलता है, मार्केट में क्या फ्लो है। फिलहाल कुछ दोस्तों कह रहे थे कि भाई मार्केट में अब ठीक ठाक हो चुका, ऑर्डर भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो देखते हैं आज कितना होता है। फिलहाल मैं काफी दिन से तो काम नहीं किया, पता नहीं मुझे ठीक ठाक ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर भी देखते, मैं ओला उबर रैपिडो तीनों एप्लीकेशन ऑन करके रखूंगा, जिसमें ऑर्डर आ जाए उसमें एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। तो तीनों एप्लीकेशन मैं आज यूज करने वाला हूँ, और भी कुछ अपडेट आए उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ रैपिडो में स्पेशली। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होगी, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों घर से बस निकल ही रहा था कि रैपिडो से पहले वाला आज का बुकिंग भी मिल गया। कस्टमर ने फ़ोन किया कि आप कितना देर में आएंगे, मैंने कहा मैं अभी घर पे ही हूँ, तो निकल ही रहा हूँ, 5 मिनट रुकी, अब मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल पास में ही है घर के, बिल्कुल बगल में ही, ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट किस साइड में इसीलिए मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे सेट कर लिया है, वरना मैं तो ऐसे ही चला जाता। तो चलो दोस्तों सीधा कस्टमर के पास मिलते हैं। ओके 7154 ओके। तो आज का ये मेरा पहला राइड था दोस्तों रैपिडो से, और कस्टमर को मैंने बताया मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने मेरा चैनल भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया। खैर मैंने अभी तक मैं ऑन नहीं किया था उबेर एंड ओला, तो एक बार मैं उबेर एंड ओला भी ऑन कर लेता हूँ। 70 रुपये मिला, खैर एकदम नज़दीक का ये ऑर्डर था, घर से निकलते ही मिल गया, घर से निकलते नहीं घर पर बैठे बैठे मिल गया, तो मैं एक बार उबेर एंड ओला भी ऑन कर लेता हूँ यहाँ से फटाक से। हाँ दोस्तों रैपिडो का एप्लीकेशन में छोटा सा अपडेट आया, मैंने देखा काफ़ी दिन पहले आ गया था, मैं बता नहीं पाया दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। तो रैपिडो में प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों 20%, जो कि बहुत ही ज़्यादा, हमारे कोलकाता सिटी में अभी 20% प्लेटफॉर्म चार्ज है। तो 100 रुपये का राइड में आपको 20 रुपये कंपनी ले लेती है, 80 रुपये मिलेगा आपको, तो काफ़ी ज़्यादा प्लान चार्ज है इसका। तो उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं 1 हफ्ते का, तो आपको 0 प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ेगा, मतलब कोई भी पैसा उस टाइम कंपनी आपसे नहीं लेती है प्लेटफॉर्म चार्ज के तौर पे। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा भाई, अगर आप रैपिडो में डेली बेसिस पे काम करते हो बाइक टैक्सी में भी, तो आप रैपिडो का जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो ले लो, सिर्फ 25 रुपया लेता है, तो सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, अच्छा होगा उसमें, ठीक है। बट उसी के अंदर एक अभी कंडीशन आई है पहले जो नहीं था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मतलब पहले अभी यहाँ पे साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने नोटिस किया कि पहले क्या होता था ना, प्लेटफॉर्म से लेने के बाद भी डेली का जो इंसेंटिव था वो मिलता था, बट अभी यहाँ पे बोला है कि डेली इंसेंटिव जो है वो नहीं कंपनी देगी आपको, वीकली इंसेंटिव आपको मिल सकता है, बट डेली इंसेंटिव कंपनी बोल रही है नहीं देंगे। डेली इंसेंटिव मीन्स डेली का 2-3-1 ऑर्डर जैसे कंप्लीट करेंगे ना, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देती है, जैसे यहाँ पे मुझे दे रहा है कि 3 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा कंपनी, तो ये होता है डेली इंसेंटिव, ठीक है। तो ये नहीं देगा उस टाइम कंपनी, बट वीकली जो इंसेंटिव वो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी मतलब एक तरफ से तो दे रही है, लेकिन दूसरे तरफ से ले रही है, समझ रहे हो ना। तो यार क्या बोले आप, कंपनी अब कंपनी सेटल हो गई, अपने मनमानी कर रही है, कुछ भी नहीं कर सकते भाई, आपको काम करना है तो करो, मत वरना मत करो। 4704 एक सेकेंड फोटो नहीं तो लगभग आई थिंक ओके ठीक है, अच्छा अच्छा थैंक यू। तो ये फूड का ऑर्डर था दोस्तों रैपिडो से, पहला फूड का ऑर्डर था, और इस ऑर्डर पे मुझे मिला 50 रुपीज़ 5 किलोमीटर के लिए, ये सही है भाई। रैपिडो में फूड का ऑर्डर करके मज़ा है, इसमें भाई एक्स्ट्रा पैसा कंपनी दे देती है, एक्स्ट्रा नहीं 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देती है, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिलीव नहीं होगा, मैं बात कर ही रहा था कि ओला से राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 मिनट बाद ही फिर से ऑर्डर मिल गया ओला से, और इसको आसपास ही कहीं पे जाना है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस का राइड नहीं है, तो मैंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब ओला से राइड नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको कंप्लीट किया जाए, वरना फिर
जो मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा, ये आसपास ही कहीं पे इनको भी जाना ज़्यादा दूर का नहीं है। और रैपिडो फूड से भी सेम टाइम पे ऑर्डर आ गया था, तो मैंने सोचा कि ओला को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ओला से राइड मैं नहीं कर रहा था। लोकेशन तो यही शो कर रहा है, पता नहीं यार कहाँ पे है। कॉल करके पूछा जाएगा, क्लाइंट लोकेशन पे तो आ चुका मैं, इन्हीं को जाना है क्या? এটা আমি খুঁজছিলাম যে কোথায় আছে, কেন কিছু প্রবলেম উঠতে না পারলে কোনো সমস্যা নেই না, ভয় কিছু না, চুপ দিকে ওই বাড়ি থেকে পড়েনি বুঝছো না, বসে কিছু কোনো ভয় নেই। 4932 দেখি লোকেশন কোন দিক দিয়ে দেখায়, এদিক দিয়ে যেতে বলছে। হ্যাঁ এখানটা নামো, উপর উপরে পা দিন উপরে, সেই জন্য উঁচু জায়গায় নামালাম আপনাকে, যে আমি যে আপনার নাম তো সুবিধা হবে। এক সেকেন্ড, আমার বিশাল ভয় লেগেছে, ভয় লেগেছে না না, আচ্ছা ফার্স্ট টাইম এটা। আচ্ছা অনলাইন পেড আছে নাকি? হয়ে গেছে না? হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। तो चलो आज का पहला मुझे ओला का राइड भी मिल गया, कंप्लीट हो गया। तो इनको ना यार बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब डर डर के बैठी हुई थी पूरा, बोलिए फर्स्ट टाइम इस बाइक में बैठे हैं, पहली बार, बहुत डर लग रहा था उनको बैठने में। दोस्तों आप लोग बता दो, मैं बहुत आराम से चला था, ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही रफ बाइक चलाता हूँ। चल झूठा। तो दोस्तों रात के बज रहे 9:51 और रैपिडो से फूड का ऑर्डर मुझे मिला यहाँ से, 8690। चॉकलेट केक। अच्छा पास OTP, हाँ पास, हाँ इसमें रहेगा। कुछ कुछ रेस्टोरेंट में दोस्तों ज़रूरत पड़ता है इंटर पास कोड बोल रहा देने के लिए, अभी स्विगी में नया रूल्स ये चालू हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ता है कुछ कुछ रेस्टोरेंट में, सब रेस्टोरेंट में नहीं। हाँ 8140 8140। ओके तो चलो देखते ये कहाँ पे है, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, न्यू टाउन के तरफ है, बट कोई नहीं, अभी ना फूड का काफ़ी डिमांड है, तो मुझे लगता है न्यू टाउन में भी जाऊँगा तो वहाँ से मुझे फूड के ऑर्डर मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। दोस्तों देखो मुझे अभी अभी क्या दिखा, बाइक पे बाराती जा रही है, आई थिंक बाइक पे बाराती जा रही है या फिर शादी करके आ रहा है, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे। ओहो क्या बात है भाई, ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए भाई, वेडिंग थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, सच में जियो, शादी करके आ रहा देखो बाइक में, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी इसी तरह शादी करूँगा भाई, कम खर्चे में निपट जाएगा आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अपना लोकेशन आ गया इधर, थैंक यू। दोस्तों देखो बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे हैं बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों रात के बज रहे अभी 11:30 और मैंने अपना होम रोड ऑन कर दिया हूँ और उबेर से मुझे अपना घर के तरफ का राइड भी मुझे मिल चुका है। तो आप लोगों को, अरे यार ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये चीज़ बहुत गुस्सा लगता है पता है यार, जब पता चल एक तो घर के तरफ का राइड मिला और फिर कैंसिल जब हो जाता ना तब बहुत ख़राब लगता है यार, अब खाली खाली घर जाना पड़ेगा भाई। दोस्तों फाइनली घर तक का राइड मिला, घर तक का नहीं लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं कि भाई घर तक का थोड़ा बहुत मिल गया है, एटलीस्ट कुछ किलोमीटर तक का एटलीस्ट रिकवर हो जाएगा क्योंकि मैं अभी घर से काफ़ी दूर था।
88। थैंक यू। तो चलो यार, ट्रिप कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब पता नहीं ट्रिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलने का चांसेस बहुत कम है यहाँ से उस साइड में मेरे घर के तरफ का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब सीधा घर पे। ओके दोस्तों, यदि आपको बाइक टैक्सी फील्ड में काम करना है तो मैं कहूंगा भाई उबेर में जरूर अपना आईडी बनवा लेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इस फील्ड में क्या होता है ना कि जब आपको घर आना रहता है तब आप सिटी के किस कोने में रहेंगे इसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। आप घर से कितना किलोमीटर दूर रहेंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप घर के नजदीक रहेंगे या फिर घर से 20-25 किलोमीटर दूर रहेंगे। रैपिडो में माई रूट बुकिंग होता है, बट जैसे आप माई रूट बुकिंग ऑन करेंगे ना तो कंपनी आपको ऑर्डर नहीं देती है। ओला में बहुत ही कम ऑर्डर मिलता है वैसे भी, तो उसमें भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन उबेर में मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यदि आप माई रूट बुकिंग ऑन कर देते हैं ना वहाँ पे, तो आपको घर तक का नहीं लेकिन घर के आसपास तक का आपको राइड जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ये 100% है। तो मैं जब भी मतलब ऐसे किसी जगह में रहता हूँ जो कि मुझे लगता है यार घर से बहुत दूर, इतना दूर खाली जाएंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, तो उबेर का मैं होम रूट ऑन कर लेता हूँ और आते आते मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं एक दो राइड मिल जाता है जो कि मेरा घर तक का या फिर घर के आसपास का होता है। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज मैंने टोटल कितना अर्निंग किया और कौन कौन से एप्लीकेशन से मुझे कितना राइड मिला। तो दोस्तों, ओला से मुझे सिर्फ एक राइड मिला जिसके लिए मैंने अर्निंग किया 30 रुपया। उबेर से भी मुझे एक राइड मिला जिसके लिए मुझे मिला 56 रुपया। और रैपिडो से मैं टोटल ऑर्डर कंप्लीट किया, 8 ऑर्डर मैंने टोटल कंप्लीट किया जिसमें से 5 ऑर्डर सिर्फ फूड के ऑर्डर थे और सिर्फ 3 ही बाइक टैक्सी के ऑर्डर थे। तो रैपिडो से मैंने अर्निंग किया 406 रुपये। तो टोटल जो मेरा अर्निंग था दोस्तों ऑलमोस्ट 500+ अर्निंग था, जिसमें से 25 रुपया मैंने ऑलरेडी मतलब रैपिडो का प्लेटफॉर्म चार्ज सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो टोटल उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो 500+ मेरा अर्निंग हो गया था आज का। तो टोटल मैंने जो बाइक चलाया दोस्तों वो भी 85 किलोमीटर के आसपास मैंने टोटल बाइक चलाया। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहा। वीडियो अगर पसंद है, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो पता है ना दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है और इस तरह का वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।